हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड। आज सेशन में मैं बताऊंगा कैसे मार्कशीट क्रिएट करते हैं एक्सेल सीट में। चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप मर्ज सेंटर अप्लाई कर लीजिए। देखो, ये वीडियो है, एक एजुकेशन बेस है। अगर आपको कोई काम करना हो या ऑफिस वर्क भी करना हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पर कुछ मैं फार्मूले बताऊँगा, वो आप अपने वर्क में शामिल कर सकते हो। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद एरिया यहाँ पर क्लिक कर दो, मर्ज सेंटर। हम यहाँ पर लिख देंगे मार्कशीट, हम बना रहे हैं इंटरमीडिएट का, इससे लिख देते हैं 12 मार्कशीट। देखो यहाँ पे अगर हमें लिखना है TH, तो हम क्या करेंगे, इस TH के पास हम ले जाएंगे कर्सर। यहाँ लिख देते हैं हम TH ऐसे, और इस TH को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें प्रेस करना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर लो फॉन्ट। इसको आप अप्लाई कर दो यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट, ओके करो। तो ये आपको लुक दिख रहा होगा। इसको आप यहाँ से बड़ा कर लो और इसको आप मिडल कर लो। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हमें यूज़ करना है सीरियल नंबर। सो हमने यूज़ किया सीरियल नंबर, और यहाँ पर रोल नंबर देना चाहते हो आप तो रोल नंबर ऐड कर लो। इसके बाद स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, और इसको आप थोड़ा सा सही कर लो डबल क्लिक करके। यहाँ पे फादर नेम वगैरह आप दे सकते हो, लेकिन फिलहाल हम अब यहाँ पे सब्जेक्ट रिलेटेड है तो हम सब्जेक्ट देंगे। फिलहाल हमने दे दिया हिंदी, यहाँ पे दे दिया हमने इंग्लिश। इसके बाद हमने दिया फिजिक्स, और इसमें दे दिया केमिस्ट्री, और हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और यहाँ पे एक और दे देते हैं हम मैथ। और नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पर टोटल, और नेक्स्ट वाले ब्लॉक में एवरेज, और लास्ट वाले में देंगे हम डिवीज़न। देखो जी, यहाँ पे रेडी हो गया। इस चीज़ को फॉर्मेट करना चाहो तो इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट भी कर सकते हो, या डायरेक्टली यहाँ पे इसके टेबल टॉप पे हेडर पे, इसको कहते हैं हम लोग हेडिंग, हेडिंग पर डबल क्लिक कर दोगे तो भी एडजस्ट हो जाएगा। इसको आप ड्रैग भी कर सकते हो। यहाँ पे आप ऐड कर लो सीरियल नंबर, और कंट्रोल बटन प्रेस करके माउस ट्रैक कर दो, पूरा पूरा आ जाएगा। और रोल नंबर की बात हो रही तो रोल नंबर आपने दे दिया, ऐसे 20 कोई भी नंबर 1। अब इसको हम ड्रैग कर लेंगे तो वो हमें मिल जाएगा पूरा पूरा। हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम स्टूडेंट के नाम बनाएंगे, हम दे दिया अजय। और हिंदी में मार्क्स इनका मान लो 80 है, अच्छा खासा एक्सटेंशन है 90 है, और यहाँ पर 60 दे सकते हो, 50 दे दो, 99। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे पास है शुभम। शुभम को हमने दे दिया नंबर 95, 80, 99, 77, 88, और अब यहाँ पे एक और देंगे सिद्धांत। सिद्धांत का हमने दे दिया यहाँ पे, फिलहाल इनको कम नंबर देते हैं। किसी को फेल करना होगा, किसी को पास करके यहाँ पे, क्योंकि हमें फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें पूरा पूरा कैलकुलेट होके मिलना चाहिए, ठीक है। और इस चीज़ को आप थोड़ा सा यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको भी सेट कर लो। इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको आप कंट्रोल बी प्रेस कर लो, ये बोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर लो। टोटल करने के लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, सम इज इक्वल टू करेंगे और सम अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट करेंगे, फर्स्ट एड्रेस और कोलन का सिंबल लगाएंगे, और लास्ट वाला एड्रेस। जैसे हम प्रेस करेंगे फर्स्ट वाले में फिर कोलन लगाएंगे, लास्ट वाले में क्लिक करेंगे, ये पूरा पूरा ब्लॉक सेलेक्ट हो जाएगा। इंटर प्रेस करो, अब यहाँ पे ले जाओ कर्सर, यहाँ पे प्लस पॉइंट बनेगा ब्लैक कलर का, इस चीज़ को आप ड्रैग कर दो। देखो ये आपका पूरा पूरा कैलकुलेटर डेवलप हो गया। अगर हमें एवरेज निकालना है तो बहुत ही आसान है, इज इक्वल टू टोटल वाला एड्रेस डिवाइड बाई, अगर ये 500 का नंबर है तो हम 5 प्रेस करेंगे, और 600 का नंबर बना रहे हैं हाई स्कूल का तो हम 606 प्रेस करेंगे। हमने प्रेस किया 5, इंटर करेंगे, देखो यहाँ परसेंटेज निकल के आ गया। इसके बाद अगर हमें डिवीज़न निकालनी है ना, तो डिवीज़न निकालने का एक बहुत ही बेसिक तरीका है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको और जूम कर दिखा सकता हूँ यहाँ पर,
देखो अगर आप परसेंटेज निकालनी है ना बहुत ही आसान है, इजिकल टू करेंगे लिखेंगे इफ़, यहाँ पे कंडीशन लगता है। इफ़ लॉजिकल टेस्ट की बात करेंगे तो लॉजिक में क्या रखना हमें, टोटल ग्रेटेस्ट निकालना है, ग्रेटर देन इजिकल टू, ठीक है। यहाँ पर रखना है ग्रेटर देन इजिकल टू, आप क्या डिसाइड कर रहे हो कि अगर मान लो कहते हो कि आप 360 जो लड़का नंबर लाएगा, जो स्टूडेंट 360 नंबर लाता है उसको फर्स्ट देना है, और 315 ला दिया तो उसको सेकेंड देना है, 300 उससे मतलब आप खुद डिसीजन ले सकते हो कि या जो भी रूल होगा उसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे। तो हमने क्या किया, टोटल का एड्रेस दिया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू किया, ये लॉजिकल टेस्ट है। और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे लिखेंगे, हमने लिख दिया 360 और कॉमा लगाएंगे डबल कोटेड, यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट FIRST। जो हम टेक्स्ट लिखते हैं ना, टेक्स्ट हमेशा एक्सेल में जब भी लिखिएगा फार्मूले में डबल कोटन लिखा जाता है, कॉमा करो। ये आपको बस इतना फार्मूला याद करना है, यानी क्या इफ़, यानी यदि कहते हैं ना कंडीशन, और उसके बाद यहाँ पे टोटल वाली एड्रेस, ये आप एवरेज वाला एड्रेस दे सकते हो, लेकिन फिलहाल हमें टोटल के एड्रेस से निकालना है। तो यहाँ पे आपने कर दिया टोटल का एड्रेस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 360, ठीक है, यानी 360 तक लाए या 360 की ज़्यादा लाए तो उसको फर्स्ट दिया जाएगा, कॉमा लगाया। फिर यही कंडीशन में सेकेंड के लिए लिखना है, हमने लिखा इफ ब्रैकेट और एड्रेस लिया ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमको डिसीजन कर सकते हैं कि 315 जो स्टूडेंट नंबर जिनको मिलेगा वो ऑटोमेटिक सेकेंड हो जाए, डबल कोटेड क्लोज कॉमा। यही कंडीशन सेम इफ करेंगे ब्रैकेट और टोटल वाली एड्रेस ग्रेटर देन इज इक्वल टू, हमने एक और कंडीशन दे दिया कि साहब 260 तक जो लाएगा उसको हम दे देंगे थर्ड डबल कोटेड क्लोज कॉमा। एक बार फिर से हम लिखेंगे इफ ब्रैकेट और इफ के बाद ब्रैकेट दे दिया हमने, फिर से वही काम करेंगे हम टोटल वाली एड्रेस। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, थर्ड हमने दे दिया, हमें लेस देन करना होगा, ख्याल रखिएगा कि 260 तक आएगा या 260 तक कम आएगा, ठीक है। अब 260 दे दिया कॉमा दिया यानी कि अपने फेल, अब इससे जो इससे तक लाएगा 260 तक तो बात बन जाएगी, लेकिन इससे जो कम लाएगा वो फेल हो जाएगा, डबल क्लोजेड क्लोज। देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट आपने ओपन किया है, एक ब्रैकेट यहाँ ओपन किया है, एक ब्रैकेट यहाँ, एक ब्रैकेट यहाँ, तो चार ब्रैकेट आपने ओपन किया है तो चारों को बंद करना पड़ेगा। देखो एक बंद करेंगे हम, ये दिख रहा है आपको शो करेगा, यहाँ भी शो करेगा, ये वाली कर्सर दिख रहा है आपको यहाँ शो करेगा, हमने क्लोज किया, क्लोज इंटरफेस करेंगे, ये हमें मिल गया रिजल्ट। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट बनेगा, इसको ड्रैग कर लो सीधे सीधा, आपको मिल गया। देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, क्रॉस, मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ। यहाँ पे क्रॉस क्या है, 360 हम दिया था कंडीशन तो फर्स्ट है, अब हम किसी को इसमें से कम कर दिखाते हैं, मान लो हिंदी में मैंने चुगले समझ मिला इनको, अब देखना क्या होगा कंडीशन, 360 के नीचे जैसे ही रहेंगे ये ऑटोमेटिक सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जहाँ जहाँ फार्मूला लगाया है इस एरिया को ड्रैग कर लो, आप बहुत सारे स्टूडेंट का एक साथ बना पाओगे रिजल्ट, जिसे होता है कि एग्जामिनर कॉपी कर चेक करके दे देता है, तो जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है काम करने वाला वो उस चीज़ को केवल एंट्री करता है। देखो हम यहाँ पे करके दिखाते हैं, हमने यहाँ पर लिखा किसी का नाम, तो हमने दे दिया यहाँ पर अक्षय, और इनको हिंदी में मार्क्स है 77, इंग्लिश में उनका मार्क है 45। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो ध्यान से, ठीक है, जैसे जुड़ेगा वैसे कंडीशन भी आएगा। और एक में इन्होंने पाया, इनको मिला है 98 और इनमें मिला है 55, आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड फेल ऑटोमेटिक होता रहेगा, ठीक है, 77। तो ये कैलकुलेट होकर के पूरा मार्कशीट रेडी हो गया। तो इस तरीके से आपने ये सीखा कि मार्कशीट हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है, और अगर फार्मूला को लिखना है तो अब ये फार्मूला लिख सकते हो अच्छे से आपके समझने के लिए, ठीक है। ये रहा वीडियो का एंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।